दोस्तों हंसते हंसते मैं फिर से एक बार इस्तकबाल करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है हंसते हंसते। तो नाजरीन जैसे कि हमारे नासिर साहब ने रिक्वेस्ट किया कि तबर साहब का परफॉर्मेंस वो देखना चाहते हैं, तो चलिए हम अब बुलाते हैं मशहूर फनकार और हैदराबादी फिल्म स्टार अकबर बीन तबर साहब को। अरबी बनो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूँ डॉन। डॉन की तरह अलग रहती, ये अलग है। तो हमारे तो मेरे रसगुल्ले बोले मेरे दूध पेड़े जी, आज तू हो जा शुरू और आजा अपनी वाली पे, ऐसा बोल रहे हैं। यस, तो आइए मैं आपको एक जबरदस्त एक छोटी सी चीज, हमारे अभी जो मैं गाना गा रहा था उनका नाम क्या किया ना, अमिताभ बच्चन साहब। ये काफी अच्छे सुपरस्टार हैं आप, और मैं उनका एक छोटी सी चीज सुनाना चाहूंगा कि इत्तेफाक की बात एक बार ऐसा हो गया कि चार मीनार पे अमिताभ बच्चन आ गए, किसी को खबर नहीं है। चार मीनार पे अमिताभ आ गए, किसी को खबर नहीं है, और चार मीनार पे जा रहे हैं कार में, तो ड्राइवर को बोले ड्राइवर गाड़ी बाजू को रोको। क्यों? तो ड्राइवर बोला परेशान होगा कि क्यों रोक रहे हैं साहब, आप ये चार मीनार है, यहाँ पर आपको कोई भी देख लेगा हंगामा हो जाएगा, आप क्यों कर रहे हैं साहब। नहीं नहीं गाड़ी रोको, आपको बोले ड्राइवर को बोले जाओ पीछे बैठ जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे साहब आप मत चलाइए साहब, आपको कोई भी देखेंगे, जितना बोलो उतना सुनो। तो ड्राइवर क्या किया साहब, क्या के पीछे बैठ गया और अमिताभ साहब गाड़ी चला रहे हैं। ड्राइवर की गलती ये हो गई कि अमिताभ साहब पेपर पढ़ रहे थे, वही पेपर लेकर ड्राइवर पर लेते बैठ गया, और आप गाड़ी चला रहे हैं। बस जाते जाते मोहल्ले मार्केट आया है, वहाँ पे सिग्नल पे एक ट्रैफिक वाले ने देख लिया कि इन्होंने बेल्ट नहीं लगाए, सीधा भाग के आया और आके बोला चलो चालान लिख रहा है। जैसा चालान लिखते लिखते एकदम नजर पड़ी, अरे अमिताभ बच्चन, डॉन अमिताभ बच्चन। साहब मैं आपकी नमक हलाल फिल्म देखा साहब, मगर कैसा करूं साहब, मैं आपका चालान कैसा मारूं। अरे भाई वो जरा थोड़ा गलत, अरे कैसा मारूं साहब, मगर मैं क्या करूं, रिस्क की तो कुछ भी नहीं। हेलो कमिश्नर साहब, एक बहुत बड़ा केस है साहब। क्या तभी हुआ? नहीं साहब बहुत बड़ा केस, अगर आप भी है तो चालान नहीं मार सकते। अरे कई को नहीं मार सकते? नहीं साहब वो बहुत बड़ा आदमी दिख रहा, अगर कौन तो भी है बोल मिया। नहीं साहब मैं नहीं बोल सकता, मेरी ड्यूटी का सवाल है। अरे बोल मिया। नहीं साहब उन्हें कितना की बड़ा आदमी दिख रहा साहब, उन्हें अमिताभ को ड्राइवर रख लिया था पीछे बैठा हुआ कोने के साथ। चीजें जो होती है जो आजकल हैदराबाद में जैसे हो रहे हैं, आप देखिए मोबाइल फोन जो कितना आम हो चुका है कि मोबाइल हर किसी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, BMW से लेके साइकिल वाले तक है, अमीर से लेके फकीर तक है, हर जनों के पास मोबाइल है। देखिए हुआ क्या इत्तेफाक, एक साहब चार मीनार से जा रहे थे, तो एक फकीर साहब आए आगे बोले साहब पैसे दो साहब, पैसे दो साहब, साहब साहब अल्लाह के नाम पे पैसे दो साहब, पैसे दो साहब, पैसे दो प्लीज साहब, पैसे दो साहब। आखिर में तंग हो गया, बोल के निकाल के 100 की नोट दे दिया। देते ही हो गया साहब, गाड़ी निकली, लेके आगे निकली, नामपल्ली में गाड़ी रुकी, और एक फकीरा साहब पैसे दो साहब, साहब साहब पैसे दो साहब साहब। अरे नहीं अरे भाई पैसे दो पैसे। आखिर में निकाल के 20 रुपए दिया, वो 20 रुपए लिया फेंक दिया, फेंक के बोला क्या हमारे को 20 रुपए, चार मीनार पे 100 रुपए हमारे को 20 रुपए। अरे तेरे को कैसा मालूम? नहीं साहब उन्हें SMS करके बोला। क्या बात है। तो सुनिए जो मेरा फर्स्ट जो मूवी था जो हैदराबाद नवाब फिल्म, जिसमें मैंने अकबर बिन तबर का डायलॉग बोला है, तो वही डायलॉग अगर मैं किसी को अरबी में अगर बोलूं, जो काफी हमारे जो आज जो शो देखते हैं जो दुबई में भी है काफी लोग जी हाँ, जो माशाल्लाह इतने लोग यहाँ पर हमारे फिल्म देखे हैं, 48 कंट्री में हमारी मूवीज देखे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग के लिए अरबी में अगर अकबर बिन तबर डायलॉग बोलेंगे, एक शेख बन के अगर अरबी में बोलेंगे डायलॉग, तो किस अंदाज में उसका पेश होगा देखिए आप। अरे वाह, पहले तो मेरा खून खराब है कि खानदान से हूँ। वन अतू शुरू वल्लका तशरी लका मोहिल ये रखा था, वन अकबर बिन तबर वो लखो डाले अच्छे तो की खबर मन तशुर ये लका वो तो ये लका, वन बकरा कत तशुरा वो तशिर ये लका मैं वो तो लिए सियारा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तशिनारा वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तशिनारा अला गोल गुंडा किला अकबर बिन तबर वो लका मो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलाम अलैक शेख सलाम अलैक। क्या बात है मैं चाहूंगा कि बहुत खूब मेरे अजीज नासिर साहब मेरे साथ आए, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं और साथ काम कर रहे हैं, और हमारी नेक्स्ट टीम भी आ रही है, ऑलरेडी पहले जिक्र हुआ आपका। अरे बिल्कुल लाजवाब, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तबर साहब आपने। आपको कैसा लगा नासिर साहब, रशीद साहब आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? मैं हमेशा बोलता हूँ
भंडार है टैलेंट का ये लड़का, रियली रियली बहुत बहुत लंबा कारवां है हमको तय करना है और इसकी जिम्मेदारी ज्यादातर मेरे ऊपर और हमारे अकबर बिन तबर पे है। हम दोनों इंशाल्लाह जरूर इस कारवां को लेके चलेंगे और हमारे और भी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, उनका भी साथ हमारे साथ जरूर होना चाहिए और रहेगा इंशाल्लाह। ओके, और रशीद साहब आपको कैसा लगा तबर साहब का ये परफॉर्मेंस? मुझे ऐसे लगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ और इसके तबरेज मतलब ये क्या उम्र है और ये उम्र में ये इतना आगे और इतना परफॉर्मेंस है इसका, बिल्कुल। तो आइंदा तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही जो है बड़े कॉमेडियन बनेंगे। हाँ, बहुत बड़े कॉमेडियन इंशाल्लाह। हमारी दुआ है, बस आपकी दुआ होना चाहिए। और एक शेर मेरे को आपके चेहरे को देख के आज नजर आया रिशाद, आप यकीन मानिए रिशाद, जो मेरे दादा का लिखा हुआ शेर था जो आज मैं आपके सामने पेश करूंगा, मुख्तसर शेर है। लहरा के ला झुम झुम के ला मुस्कुरा के ला, लहरा के ला झुम झुम के ला मुस्कुरा के ला, फूल की रस्में चांद की किरणें मिला के ला, कहते हैं ये उम्र रास्ता तो लौटती नहीं, जाओ उस मई गदे से मेरी जवानी को उठा के ला। क्या बात है तबर साहब। और एक शेर मेरे को आपको देख के नजर आया मुझे? और आज जी मुझे जी हाँ चलिए सुनाइए। नजर आया या याद आया? नजर भी आ रहा, याद भी आ रहा, कुछ भी है, चलिए सुनाइए। तो नहीं एक्टर है भाई, कुछ तो नजर आएगा ना। तो बहरहाल शेर याद है कि किसी को मकसद नहीं होता किसी के, मतलब तू देख मुझे या ना देख उससे कोई मतलब नहीं होता है। इंसान जो भी करता है अपने दिल से करता है और अपने दिमाग से सोच के करता है। तू देख मुझे या ना देख, एक लड़की नहीं देख रही उसको मतलब ही नहीं है, मत देख, तो वो दिल की बात कर रहा है। तू देख मुझे या ना देख, मुल्ला फरमाए तू देख मुझे या ना देख, तेरे देखने का मुझे कोई गम नहीं। तू देख मुझे या ना देख, तेरे देखने का मुझे कोई गम नहीं, या तेरे ना देखने की विदा तेरे देखने से कम नहीं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब तबर साहब। क्यों नाजरीन आपको कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? तबर साहब ने अरबी में जो कुछ भी बोला मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी एक्टिंग तो बड़ी कमाल की थी, उससे ही मैं बहुत हंस पड़ी हूँ। वो अरबी में जो कुछ भी बोले मैं उनके पास से थोड़ा सा समझ लेती हूँ। तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। हंसते हंसते गजल में अपनी जाति सुना रहा हूँ। गजल का मिसरा किसका है कि नीचे का मिसरा मेरा झूंगा, ऊपर का मिसरा किसका है कि दोस्ता मेरे बाप को जा रही तोशे बना के घर से, मेरे घर का बघारा बैगन घी का पराठा किसका है कि Ha 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 ha